कानपुर के एक कपड़ा व्यापारी का बेटा जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल थी, नाम कुशाग्र था। वो घर से निकला ट्यूशन पढ़ने के लिए था, लेकिन फिर उसके बाद उसके घर में एक सीधा लेटर आता है। लेटर में अल्लाहू अकबर लिखा होता है और बेटे की सलामती चाहते हो तो 30 लाख रुपए दे दो और तमाम बातें उसमें लिखी होती हैं। इस लेटर के मिलने के बाद हड़कंप मच जाता है, पुलिस तलाश करनी शुरू कर देती है और उसके बाद पुलिस को जो CCTV और जिस रास्ते और जिस स्कूटी से वो लड़का निकला था घर से, वो जब बरामद होती है और उसके बाद जब CCTV फुटेज को देख देख कर पुलिस फॉलो करती है तो उसे वो मिलता है और वो कहानी सामने आती है जिसके बाद कानपुर पुलिस के भी होश उड़ गए। दरअसल ये पूरी कहानी एक लड़के की है, उसकी टीचर की है और उस टीचर के बॉयफ्रेंड की है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल कानपुर के एक मशहूर व्यापारी हैं जिनका नाम मनीष कनोडिया है। उनका 16 साल का बेटा कुशाग्र कनोडिया जो कि ट्यूशन पढ़ने के लिए निकला था, लेकिन अब उसका शव बरामद हुआ है। दरअसल कुशाग्र का शव फजलगंज थाना क्षेत्र से बरामद हुआ है और रायपुरवा पुलिस ने ट्यूशन पढ़ाने वाली महिला शिक्षिका, उसके बॉयफ्रेंड और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इन्हीं लोगों ने एक साजिश रचते हुए 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। फिरौती न मिलने पर छात्र की हत्या की बात सामने आई, लेकिन कहानी कुछ अलग है। कहानी में बिल्कुल इतना बड़ा ट्विस्ट है जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल इस पूरी वारदात में न सिर्फ अवैध संबंधों का शक है, बल्कि इसमें एक चिढ़ और एक वो कुढ़न भी है कि एक व्यापारी के बेटे जिसकी उम्र महज 16 साल है और उसके बीच में एक अवैध संबंध, वो भी अपनी टीचर के साथ, इसका भी शक और इसी शक के चक्कर में उसका मर्डर हो जाता है। अगर पूरे घटनाक्रम की बात करें तो कुशाग्र करीब 4 बजे के आसपास शाम को घर से निकला था और वो लापता हो गया। करीब 9 बजे के आसपास उसके घर में एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है 30 लाख रुपए फिरौती दे दो और अपना बेटा ले लो। पुलिस को इस मामले की जानकारी होती है, पुलिस कुशाग्र की तलाश में जुट जाती है, लेकिन उसके हाथ लगती है कुशाग्र को ट्यूशन पढ़ाने वाली एक महिला। दरअसल रायपुर थाना क्षेत्र के आर्य नगर निवासी कपड़ा कारोबारी मनीष कनोडिया का बेटा जयपुरिया स्कूल में पढ़ता था और हाई स्कूल का छात्र था। कुशाग्र सोमवार की दोपहर को ट्यूशन पढ़ने के बहाने निकला था और वो सीधे अपने टीचर के घर गया। परिवार वाले उसकी तलाश करते रहे, लेकिन जब वो 9 बजे तक नहीं आया और फिरौती के लेटर आया और उसमें एक चीज़ और लिखी थी कि उसकी स्कूटी फला जगह खड़ी हुई है और ये पत्र डालने वाले का भी अब पता चल गया है। और पहले तो ये कहानी एक तरह से माना जाए तो अपहरण की बताई जा रही थी, लेकिन ये विशुद्ध रूप से एक आपराधिक कृत्य और वो भी हत्या का था। दरअसल फजलगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती जो कि उसको ट्यूशन पढ़ाती थी, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया। ये युवती काफ़ी दिनों से इसको ट्यूशन पढ़ाती थी और 2 साल पहले तकरीबन छोड़ दिया था। इसके अलावा 2 लोग और गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने बताया कि टीचर का एक बॉयफ्रेंड है और उसका एक साथी है। दरअसल सबको जब फजलगंज थाना क्षेत्र लेकर के आया गया तब इसके बारे में पूरी जानकारी हुई। आरोपियों ने इस बात को कबूल किया है कि उन्होंने ही उस बच्चे का यानी कुशाग्र की रस्सी से गला घोटकर हत्या की। इंस्पेक्टर रायपुरवा अर्चना गौतम के मुताबिक फिलहाल ये सामने आ चुका है कि महिला शिक्षिका ने ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। दोनों अपना घर बसाना चाहते थे और इसीलिए वो पहले कुशाग्र को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक स्टोरी ये भी सामने आ रही है कि टीचर के बॉयफ्रेंड को शक था कि कुशाग्र का कहीं ना कहीं अपनी टीचर के साथ ही संबंध है। पुलिस ने CCTV खंगाले तो उस कमरे से जहां से कुशाग्र का शव बरामद हुआ है वहां पर लड़का और यानी टीचर और टीचर का बॉयफ्रेंड और कुशाग्र जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन कुछ देर बाद रचिता जो लड़की गिरफ्तार हुई है वो बाहर आती है, उसका बॉयफ्रेंड सामने बाहर आता है, लेकिन कुशाग्र बाहर नहीं निकलता है। पुलिस को इस पूरी घटना का CCTV सा मिल चुका है और इसी आधार पर उन्होंने टीचर और टीचर के दोस्त को पकड़ लिया। दोनों से कड़ाई से पूछताछ हुई तो दोनों ने बताया कि कुशाग्र का शव घर के स्टोर रूम के अंदर छिपा रखा है। बाद में पुलिस ने शव को बरामद कर लिया, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले में अभी जो फिरौती की जो कड़ी है वो बेहद चौंकाने वाली, क्योंकि उसको न सिर्फ हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश की गई बल्कि उसमें अल्लाह हू अकबर जैसे शब्द भी लिखे गए।
लेकिन अब इस मामले का पटाक्षेप हो चुका है। लेकिन अभी भी पुलिस के पास तमाम ऐसे सवाल हैं कि आखिर इसकी हत्या की असल वजह क्या है, इसके बारे में पुलिस पता लगाने के लिए दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन व्यापारी ने अपना बेटा खो दिया है और उसके परिवार में मातम है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।